पिछले हफ्ते एक चीनी कंपनी डीपसीक ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने अपना ओपन सोर्स R1 मॉडल रिलीज करके OpenAI को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ यह नहीं कि R1 OpenAI के $200 रीजनिंग मॉडल को बीट करता है, बल्कि यह क्लॉड, सोन और जेमिनी को भी अहम बेंचमार्क्स पर मात देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह माई वाइप टेस्ट पास करता है। बस आप इसे 15 अप्रैल 1989 के वाकयात के बारे में सवाल ना करें। हैरत की बात यह है कि आर एक मैथमेटिक्स में भी जबरदस्त है, जो बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि OpenAI के पास पहले ही आंसर का एक्सेस था। चंद ही दिनों में आर एक वायरल हो गया और अमेरिका का नंबर 1 ऐप बन गया। ये बिग टेक के लिए बड़ा मसला है क्योंकि AI को जिंदा रहने के लिए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और हजारों GPUs चाहिए होते हैं, लेकिन डीपसीक का आर एक सिर्फ 10 मिलियन से कम में तैयार हुआ और यह असल में एक हेज फंड का साइड प्रोजेक्ट था जिसका मकसद लंबी मुद्दत के लिए सोशल वैल्यू पैदा करना था। वॉल स्ट्रीट अब पैनिक कर रहा है और एनवीडिया का स्टॉक काफी गिरावट का शिकार है। एनवीडिया AI बूम का बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनी रही है, मगर यह पूरा बबल इस वाकियत के साथ फट गया। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डीपसीक ने किस तरह तारीख का रुख बदल दिया है। बिग टेक इस वक्त हिल गया है और OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने भी ट्विटर का रुख किया इस सिचुएशन पर कमेंट करने के लिए। उसने ट्वीट किया, रेवोल्यूशंस ना तो बनाई जा सकती हैं और ना ही रोकी जा सकती हैं। सिर्फ एक बात की जा सकती है कि उनके बच्चों में से कोई उसको जीतों के जरिए रास्ता दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका ट्वीट लगभग रेशियो हो गया एक बंदे के रिप्लाई से जिसके एनीमे प्रोफाइल पिक्चर थी, जिसने बस इतना कहा, इतना डीप नहीं है ब्रो, बस एक बेहतर मॉडल रिलीज करो। डीपसीक के रिस्पॉन्स में OpenAI अब अपने एक मिनी मॉडल को फ्री यूजर्स के लिए ऑफर कर रहा है, मगर बात यहां खत्म नहीं होती। उन्होंने एक नया फीचर ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस किया है जो AI को ब्राउजर तक एक्सेस देता है, जिससे ये बटन क्लिक कर सकता है और फॉर्म्स भर सकता है। ये एक गेम चेंजर है क्योंकि इसका मतलब है कि ChatGPT आपके कोर्ट और नर्डर्ड DUI क्लासेस अटेंड कर सकता है या किसी और ऑनलाइन टास्क को कंप्लीट कर सकता है। आने वाले वक्त में हो सकता है इंसानों को वेबसाइट्स या UI की जरूरत न रहे, बस APIs जो AI के साथ इंटरैक्ट करें, मगर ऑपरेटर फीचर फिलहाल सिर्फ उन यूजर्स के लिए अवेलेबल है जो $200 प्लान पर है और इस पर मिले जुले फीडबैक आए हैं। जबकि OpenAI अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, ये बात साफ है कि चीनी इस फील्ड में अभी डोमिनेट कर रहे हैं। डीपसीक ने सिर्फ R1 पर ही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग टूल हुनू ऑन 3D भी रिलीज किया है जो 3D मैशेज और टेक्सचर्स जनरेट कर सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है जो सालों से ब्लेंडर सीखने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि डीपसीक का ये ब्रेक थ्रू मिनिमल इन्वेस्टमेंट से बनाया गया। टेक इन्वेस्टर मार्क एंड्रेसेन ने इसे दुनिया के लिए एक प्रोफाउंड गिफ्ट करार दिया और कहा कि ये उन ब्रेक थ्रूज में से एक है जो उन्होंने कभी देखा हो। इसका नतीजा ये है कि स्टॉक मार्केट अब टर्मोइल में है और लगभग $1 ट्रिलियन की वैल्यू वाइप आउट हो गई है। एनवीडिया इसमें सबसे बड़ा लूजर है, उसके बाद ताइवान सेमीकंडक्टर और ब्रॉडकॉम जैसी चिप कंपनियां भी शामिल हैं। एनवीडिया ने गुज़िश्ता 10 सालों से AI ट्रेनिंग पर मोनोपोली बनाई हुई थी, ज्यादातर इस वजह से कि उनके पास AMD से बेहतर लिनक्स ड्राइवर्स हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स प्रॉपर्टरी लाइब्रेरीज जैसे कूड़ा के लिए ऑप्टिमाइज्ड है जो सिर्फ एनवीडिया GPUs पर रन हो सकती हैं। उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो इन GPUs को लार्ज स्केल पर कनेक्ट कर सकता है, जिसने एनवीडिया को मैसिव प्रॉफिट्स कमाने का मौका दिया जब से AI मॉडल्स का साइज और पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। मगर किसी ने डीपसीक का R1 मॉडल कुछ एप्पल M2 अल्ट्रास पर रन कर लिया और ये टेक इन्वेस्टर्स के लिए डरावना है। टॉप ऑफ द लाइन 680 बिलियन पैरामीटर मॉडल अब रिलेटिवली सस्ते कंज्यूमर हार्डवेयर पर चल सकता है, और क्योंकि ये फ्री, ओपन सोर्स और चाइना में डेवलप हुआ है, ये सीरियस सवालात उठाता है कि AI स्पेस में कंपनियां कैसे पैसा कमाती रहेंगी। कई लोग इसे स्पुतनिक मोमेंट कह रहे हैं, जो उस शॉक का रेफरेंस है जब 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था।
अमेरिका को इसको कैच अप करने में एक दशक से ज्यादा लगा, जो अपोलो 11 मून लैंडिंग पर खत्म हुआ, जिसे कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि नेवाड़ा में शूट किया गया था। दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी इस शिफ्ट को नहीं रोक सकती। डीप सीक मून लैंडिंग्स को मानता है और एआई हाइप ट्रेन के साथ हमने अच्छा सफर किया, मगर अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। मैं ब्रेन चिप्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल मीट प्रिंटर्स, नैनो रोबोट्स, डिजिटल रेजरेक्शन और उन तमाम टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हूं जो दुनिया को बेहतर बनाएंगी। ये था डी कोड रिपोर्ट। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती रहे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।